सीधी के सोनांचल बस स्टैंड में हम खड़े हैं। देर रात के 12 बज रहे हैं और ये 12 बजे लोगन के अब जो है भीड़ एक चाय के टपरी में मौजूद ही भीड़ जो है अपने गंतव्य तक जाए खीतिर यह बस स्टैंड के सहारा लेती। देर रात कुछ बस निकलती है और उबसन के माध्यम से अपने घरन तक लोग पहुँचते हैं। सवाल सबसे बड़ा सीधी नगर पालिका से है कि जो आम आदमी और जो यात्रियों की तिर अलाव सीधी के बस स्टैंड में लगावे के बात कही जाती तो वह अलाव कहाँ है। हाड़ कपावे वाली ठंड में अलाव के एक सहारा होते है कि इंसान उसे गर्माहट लेके अपने आप का राहत प्रदान कर सकते है, किंतु हालात यह कि नगर पालिका के भ्रष्टाचार के भेंट अलाव चढ़ रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के जहां लोग चाय के सहारे अपने अंदर गर्माहट ले आ रहे हैं। हमारे साथ सक्से यात्री हैं, कहां जा रहे हैं, कहां नाम है अपना? धीरेन्द्र द्विवेदी, रीवा से देवसर। देवसर जा रहे हैं। अलाव उलाव की व्यवस्था हो चाहिए कि ना हो चाहिए बस स्टैंड? बिल्कुल हो चाहिए, हो ही कहना चाहिए, बिल्कुल हो चाहिए। तो पाए नागी कहाँ देखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। अब अलाव का कहाँ व्यवस्था दिख नहीं रही है स्टैंड में। नहीं तो कब गर्मी में लगे ही का वही जगह है, शायद गर्मी में लगा हुए ऐसा। हाँ। लागत है कि शायद गर्मी में लगा हुए बढ़िया तपन में औ तपन दे। हाँ। जब उन्हें मजा आवे उनका ठंडी के जरूरत नहीं, ठंडी में तो शायद उनका एसी में है तो उनका जरूरत ही नहीं हो पाए। भाई यात्री लोगों की जरूरत है। चलिए अपना के कहा ठीक है कि भाई शायद गर्मी में ज्यादा औ तपावे के जरूरत पड़े ऐसे जो है तब शायद अलाव लगावा जाए। कहाँ नाम है अपना? अजय मिश्रा। अजय जी अपना कहाँ जा रहे हैं? हम भी देवसर जा रहे हैं, एग्जाम दे के वापिस आ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक रहा एग्जाम? काहे की एग्जाम दे गए? एलएलबी का एग्जाम था। ठीक रहा? हाँ, अच्छा था। अब एलएलबी के ठीक एग्जाम के अपना बात जनबाय भाई हो कि सुखेन सिंह बन्ना मऊगंज में परीक्षा दे रहे हैं, पूर्व विधायक का ही मोबाइल दे रहे हैं बगल में और उन्होंने सोशल मीडिया में खूब फोटो वायरल भे रही। आज वो कहें कि हमसे कोई कहवे नहीं भा कि फोटो जो है न रखा उठे मोबाइल तो ऐसे हम जो है नहीं हटाए मोबाइल उठ से। तो मतलब अपना मोबाइल वोबाइल धे के परीक्षा दी है कि में? हम लोग बाहर रखते हैं। हाँ। बाहर रखने की सुविधा दी गई, हम लोग बाहर रखते हैं। कड़ाई रही? हाँ, कड़ाई तो थी। ऐसा तो नहीं कि अपना पचन भर के साथ जो है कड़ाई हो तो बड़कैन के साथ ढिलाई हो तो नहीं? हमारी आदत शुरू से मोबाइल या चीट वगैरह कुछ रखते नहीं अपने पास, पेन और स्केल लेके जाते हैं एग्जाम में, अपना पेपर दिए चले आए। तो बन गया है? हाँ हाँ बन गया, पास हो जाओ। बिल्कुल, चलिए बढ़िया है। यह में देश में वकीलन की आवश्यकता है कि वास्तव में आम आदमी के हक के जो है लड़ाई लड़ी जाए और हक के साथ 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 में हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है। हमने जाते हुए देखा है। हाँ। कि यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, ठंड के लिए भी व्यवस्था नहीं है, राहगीरों के लिए हो या ना हो, लेकिन यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं या छोटे लेवल पे काम करने वाले मजदूर वर्ग के हैं उनके लिए तो ठंड में व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ना अपना का अलाव उलाव तो हो चाहिए कि ना हो चाहिए? होना तो चाहिए ठंड इस समय, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ही ठंड का आलम बहुत ज़्यादा है, साथ में पूरे देश में भी सभी जगह, इसलिए ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। खासकर ठंड नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा लग रहा है सीधी कि बुरा लग रहा है? सफाई नहीं है जिस तरीके से हमारे सफाई नहीं है, अलाव नहीं है, तो मतलब कहूँ में लगा लग है, अच्छा लग रहा है, सीधी मिनी स्मार्ट सिटी हुआ है, जानी थी कि नहीं? मैं क्या है कि कई सालों बाद इधर आ रहा हूँ, मैंने परिकल्पना किया था कि स्वच्छ भारत के साथ यह बदल गया होगा, लेकिन यहाँ अभी भी आलम वही पुराना ही है। स्वच्छ भारत है? स्वच्छ भारत है, जैसे देख सकते हैं कूड़ा कचरा सभी जगह है, गंदगी चारों तरफ है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से यह व्यवस्था तो पर्याप्त है। निश्चित तौर पर इठे अलाव की व्यवस्था हो चाहिए, किंतु सिगड़ी के मथरे जो है यह यात्री जो है गर्माहट ले रहे हैं। 6 लाख के टेंडर होते है हर साल, हर ठंडी में 6 लाख रुपये के टेंडर होते है, किंतु वह 6 लाख के टेंडर के लकड़ी कागज में जराई जाती, कागजे में लोग जो है तापी लेते और वही लोग गर्मा हो जाते और यह ठंडी से निजात पाए जाते। कहे कि देखी यह लोग जो है का नगर पालिका की दायित्व तो नहीं है कि एक बस स्टैंड में ऐसा जगह में अलाव जो है सार्वजनिक बनावा जाए जो माँ लोग वास्तव में ये खा कपावे वाली ठंड में गर्माहट ले सके, किंतु सिगड़ी के सहारा गर्म कब भर हुई, कब भर चाय वाले सिगड़ी माँ ठाड़ हो के इनका मौका दे ही, जब भर चाय हाथे में रही तब तक
चाय खत्म है तो कहीं कि चला दूसरे ग्राहक का आवे के मौका दे का है। सिगड़ी में गर्म हो गए, सिगरेट में गर्म होने के लिए आदमी हो जाएगा तो दुकान कैसे चलेगी। ये 30 है नगर निगम को कि नकड़ी पे लाके गिराएं, यात्री दूरी दूरी से आता है, उतरे गाड़ी से चाय पिए चार हाथ से के थोड़ा, ये 30 के नगर निगम के, मगर यहाँ हमने देखा नहीं है। कहाँ से है अपना? हम सतना के हैं, सिगरौली में नौकरी करते हैं। अच्छा। नगर निगम के हैं, ड्राइवर हैं। अच्छा। मगर यहाँ पे देखे नहीं है। तो वहाँ जहाँ है ड्राइवर नगर निगम में वहाँ जरा थी। हाँ, वहाँ हमने स्वयं गिराते हैं। सवेरे शाम नकड़ी गिलाते हैं। यात्री तापता है, गरीब लोग बैठते हैं जिसके पास कम्बल नहीं है। जिसके पास खाने का नहीं तो क्या करेगा, आगे तापेगा। मगर यहाँ हम देखे नहीं सीधे में। चलिए यहाँ तापना है वो नगर निगम, चलिए नहीं तो अब का अपना के सीधी में जेका तापेक है तो वो का सिगरौली नगर निगम जाए। अरे नहीं जाएगा तो मतलब आपके यहाँ तो होना चाहिए व्यवस्थाएं। चलिए अपना काम ठीक है कि अपना सिगरौली नगर निगम से है, ड्राइवर है, अपना जगह जगह लकड़ी के गिराव वहाँ होते है, जेका जो है यात्रीन का सुविधा यह मुहैया कराई जाती, किन्तु यह सीधी आए और सीधी अपने के नाव सीधी नहीं आए। लोग सीधी पता नहीं कैसा है का सीधी कहा थे, यहाँ जो होते टेढ़े होते है वो कर नजारा दिखा लागे अपना का कि यहाँ ना अलाव है 6 लाख रुपये टेंडर होते तो आखिर वो टेंडर वाली लकड़ी जाती कहाँ है। अब यह पूछ दे तो FIR हो जी, यह एहू की दिन मतलब कहो न कहो पत्रकार तैयार रहे, आम जनता तैयार रहे, यदि हम इनसे पूछ दे चाय वाले इनसे कि ना हो ऐठे कैसा लगाए है और ऐठे अलाव कब से नहीं जल रहा है तो काल बिचारे के ऊपर डंडा पड़े लगी कि चल भाई ठेला हटाओ अपन व्यवस्था साइड में कर, तो कहो न कहो गरीब के व्यवस्था ना खराब हो। आपकी एठे जो में के हालात है या जगह हमारी यह सोनांचल बस स्टैंड का एक बार फिर से हम कहा कि यह दिखावा जाए और यह बस स्टैंड में जो नगर पालिका का दायित्व दीन गया है, जिम्मेदारी दीन गई ही कि एठे यात्री जो आवे उनका एक बेहतर व्यवस्था मिले, व्यवस्था के साथ साथ एक अलाव की व्यवस्था हो जो उन्हें से लोग गर्माहट ले सके और निश्चित तौर पर जहां गंतव्य तक जाए चाहते वह दरमियान जो वक्त रहा था वह ठंड से यदि परेशान है तो कुछ हद तक राहत मिल सके, किंतु हालात यह कि यहां भ्रष्टाचार के ऐसा आलम है कि नगर पालिका के कोनों में एक व्यवस्था ये बस स्टैंड में नहीं आए कि अलाव जली कि न जली, बिना अलाव के आखिर आम आदमी या फिर यात्रीगण के सहारे या सिगड़ी के सहारा कितनी देर तक गर्माहट ले सकी। हमारे साथ और लोग हैं, ये बताई अपना तो बस स्टैंड में हम अपना का कई एक बे दिखे एट का अपना ये ठंड के दौरान बस स्टैंड के अंदर कहाँ थे अलाव जला दिखे? नहीं नहीं अलाव नहीं जले। नहीं तो काहे नहीं जले का? ये सब प्रशासन की हुआ है साहब। हाँ कितना पैसा आवत है? 6 लाख रुपया आवत है। जी 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 टेंडर होते लेकिन यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं रहा। सब यात्री ऐसे परेशान रहा था, बैठे रहा था कुछ यात्री वहाँ सेट के नीचे बैठे रहा था लेकिन देखे वाला नहीं है। देखे वाला क्यों नहीं है सर? चलिए यह वास्तव में एक दुखद क्षण है, पहलू है और लोग हैं थे। का नाम है अपना? आशीष सिंह बघेल। आशीष जी अलाव का दिखे न अपना यह ठंड के दौरान में सीधी बस स्टैंड में? बाहर साइड में कहो जलत है पर अंदर बस स्टैंड की नहीं जलत। नहीं तो यह व्यवस्था जानबूझ के नहीं दी जाती है या फिर कहा लापरवाही अपने नगर पालिका के? भाई हम पे तो परमानेंट रात में 12-1 बजे तक रही थी, अपन गाड़ी जाती बनारस तो हम लोग तो डेली रहते पर यहाँ अंदर लाइट अलाव नहीं जलता, बाहर जलता है शायद। नहीं तो जलत है मगर जो में हुआ अलाव है, लकड़ी पड़ी रहती आधी जली वह जलत रहा कभी कभार बस, बाकी अंदर कुछ नहीं। अंदर कुछ नहीं, अब सहारा यही इनके है, सिगड़ी इनके है, सिगड़ी सहारा है और यह रितेश के सहारा है। स्टैंड की हालत अपना देखते लागन ऑलरेडी यहां झाड़ू लागन कुछ लोग अभिषेक सिंह के जमाना में एक बार धोबी जा रहा है, यहां लागत एक आध महीना नहीं धोवा है। निश्चित तौर पर आम आदमी सिर्फ रात में पर्याप्त सवारी रहती है स्टैंड में, बराबर चहल पहल रहती है, सुनसान रहता है पर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु कोई देखे वाला नहीं ना? नहीं नहीं उसे काबो करब तो हुआ के वही है नहीं उल्टा सवाल करे लगी बकना देख ही लगे सवाल करे लगे अलग। चलिए अब अपना एक बड़ा नया पात्र ले आ दिन महाभारत रामायण में पहुंचा दिन कुंभकर्ण के आए कुंभकर्ण जो सो रहा है ये पूरा प्रशासन जिला प्रशासन पूरा सीधिन के है अपना जी हाँ ये अंत के वही सिगरौली कुंभकर्ण के बात करा तो ही हम सीधी वाले का सीधिन के है और प्रशासन के कहा इधर की सूचना दीन के भाई ऐसे ऐसे परिस्थिति है बिना बरसात के बरसात यहाँ हवे तो ये कि मैंने कुछ व्यवस्था बनाई है पर कोनो मतलब नहीं है।
प्रशासन है के खेती आम आदमी के न हो तो के खातिर है। हाँ है तो आम आदमी खेती पर कुछ न कुछ तो व्यवस्था चाहिए प्रशासन की। नहीं आम आदमी के व्यवस्था खेती ना है तो आखिर करत का है। आ तो आम आदमी के पर नहीं करे तब का कीन जाए अपन जितना फर्ज बना तो उतना नहीं कह देते। हाँ नहीं तो मतलब है सिर्फ सिगड़ी के सहारा है। सिगड़ी के ये चाय के थोड़ बहुत गर्म हो खेती तो सुनाइये को नहीं है सुने वाला के नहीं कुंभकर्ण बनी है सब टोटल कुंभकर्ण की नहीं थी। हाँ भाई नहीं खुला है नींद ही नहीं खुल रही है। चलिए सीधी के बस स्टैंड है देर रात अबे जो है 12:15 हो रहे हैं। हम यह सोरांचल बस स्टैंड में हैं और ये थे लोगन के कहो न कहो दर्द सुने के काम कह रहे हैं। दर्द बटी की ना बटी या सरकारन तक बात पहुँचत तो हुई उन्हों का यह हालात दिखात तो हुई किंतु शायद यदि करे चाहते तो बहुत कुछ कैसे कर रहे हैं किंतु करे नहीं चाहे जौने के हालात यह है कि सीधी के गंदगी देख ली। सीधी गंदगी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि एमपी संदेश कम से कम रात को यहाँ आया तो यात्रियों को मतलब राय लेने के लिए लेकिन बाकी तो कोई आता नहीं। चलिए अपना का धन्यवाद है। एमपी संदेश हुआ हर जगह खड़ा है जहाँ वास्तव में लोगन का आवश्यकता ही जरूरत ही। अपनों कुछ बोले चाहते कहाँ से है अपना? हमारा घर मुगुबारी में है, प्रकाश सिंह नाम है मेरा। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे ठंडी है तो यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। अभी एक बुजुर्ग मिला बोला हाँ कि ठंडी के लिए बोला हाँ कि जा रहे हैं सिगरेट पीने। यहाँ पे तम्बाकू कोई खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई राजश्री खा रहा है तो इसके बचाव के लिए यहाँ पे जो है तो आग जलाया जाए और सिस्टम हर एक होना चाहिए। अभी मैं परसों गया था, जबलपुर गया था, यहाँ पे पूरी रात में मरा था। 12:30 मेरी बस थी तो मैं 8 से आके यहीं पे मैं बैठा था, यानी 4 हम भी यहीं पे कांप रहे थे। तो यहाँ पे माहौल देखते हुए यहाँ पे जो सिस्टम है सुधारना चाहिए। चलिए अपना अपन राय रखें, अमूल्य राय है काहे कि अपना बच्चे देर रात हमसे 12:15 पर बात कह रहे हैं, अपन वक्त दे रहे हैं वह कितने धन्यवाद है। और धन्यवाद सीधी के ये भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था का है कि यह में जो है कागज में अलाव जलावर रहे, कागज में साफ सुथरा उस स्वच्छ भारत दिखावर रहे, सीधी का मिनी स्मार्ट सिटी बनावर रहे। और यह में सीधी के लोग धीरे धीरे अभी मिनी स्मार्ट सिटी में है, फिर फुल स्मार्ट हो जाएगी और उनकर जिंदगी ऐसे बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगी कि कुछ कहने लायक नहीं है। तो सीधी में भ्रष्टाचार के जो में इबारत लिखी जा रही शायद सीधी इतनी सीध नहीं है। जे आबत है सीधी का दोहन कह लेते हैं, चारागाह समझ लेते हैं, आय के यहाँ सिर्फ सीधी का चुहक के वह जाय चाहत है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।